खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बनने और मॉनसून ट्रफ के कारण बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। शहडोल, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में गरज, बिजली और बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, शाजापुर, आगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, कला, सिंगरौली, मऊगंज, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, निवाड़ी और मेहर जिलों में गरज, बिजली और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून में जैसे सिस्टम है, अभी जो लो प्रेशर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश और साउथ यूपी के आसपास पहुंच गया है। इसकी वजह से खाली ग्वालियर चंबल में हैवी रेनफॉल के चांसेस बने हुए हैं। जिस हिसाब से भी 9 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है, वो है रीवा, सीधी, मऊगंज, भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरकला, शिवपुरी, जहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना। शेष प्रदेश में लगभग मौसम खुलता जा रहा है। दक्षिण मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग छुटपुट बारिश के आसार बचे हुए हैं। अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही रहेगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।